Hope you guys are doing well. Welcome to MedQuick. I'm Dr. Vipur Ravlani and I've done my MBBS from GMC Nagpur. And today our topic is disorders of pigmentation. As we all know, color of our skin comes because of melanin pigment. And melanin pigment itself is produced from the cells known as melanocytes. So to start off with, melanocytes are the cells which arise from neural crest cells. And after arising, they travel towards the skin and then pass through the dermis of the skin to reach the epidermis. In the epidermis, melanocytes reside in the layer known as stratum basale. The melanin pigment is then produced by the melanocyte with the help of tyrosinase enzyme, which converts tyrosine to dopaquinone, which then gets converted to the melanin pigment. The melanin hence produced is then transferred to the surrounding keratinocyte in the form of melanosomes. So each melanocyte transfers melanin pigment to 36 surrounding keratinocytes and this is called as epidermal melanin unit. तो हमको ये बस कहानी एकदम सीक्वेंस के लिए याद रखना है कि सबसे पहले मेलानोसाइट आया, फिर मेलानोसाइट ने क्या किया, उसने मेलानोसोम्स बनाए जो छोटे छोटे की पॉकेट्स है, और उनमें क्या हुआ, मेलानोजेनेसिस हुआ। मेलानोजेनेसिस से मेलानिन पिगमेंट बना, फिर वो मेलानोसाइट क्या करेगा, मेलानिन आसपास के सेल्स को देगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा आसपास के सेल्स को, और आसपास के सेल्स को मेलानिन पहुंचने के बाद स्किन को कलर आ जाएगा वैसे ही। तो एक मेलानोसाइट वैसे ही अपने आसपास के 36 सेल्स को मेलानिन देता है और इसी को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मल मेलानिन यूनिट। तो यही सीक्वेंस को हम लोग देखते हैं आगे। यही सीक्वेंस हम लोग पूरे डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले मेलानोसाइट के डिसऑर्डर पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे मेलानोसोम के डिसऑर्डर, थर्ड पढ़ेंगे मेलानोजेनेसिस के डिसऑर्डर, और फोर्थ डिसऑर्डर रहेगा कि मेलानोसाइट जो कि अराइज हुए न्यूरल क्रेस्ट से और जब माइग्रेट कर रहे थे स्किन के तरफ, तो वो डर्मिस के थ्रू एपिडर्मिस में पहुंचे। तो कुछ कुछ डिजीज में ऐसा हो जाता है कि वो डर्मिस में अटक जाते हैं, जिनको क्या हम बोलते हैं डर्मल मेलानोसाइटोसिस। तो एपिडर्मिस में नहीं पहुंचे वो, सबसे ऊपर वाले लेयर में मेलानोसाइट, लेकिन डर्मिस में अटक गए, तो उनको बोलते हैं हम लोग डर्मल मेलानोसाइटोसिस। इन डर्मल मेलानोसाइटोसिस की खासियत क्या है कि स्लेट ब्लू कलर ऑफ स्किन रहता है उनको, मतलब जो भी बीमारी आएंगी उसमें स्लेट ब्लू कलर ऑफ स्किन रहेगा। और फिफ्थ हम लोग डिजीज पढ़ेंगे नेवस कैटेगरी का, ठीक है। तो यही सीक्वेंस में याद रखिए और यही सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज डिसऑर्डर्स ऑफ मेलानोसाइट। सो इन डिसऑर्डर्स ऑफ मेलानोसाइट कैन बी विटिलिगो, पायबाल्डिज्म, लेंटिजन। तो विटिलिगो में क्या रहता है, मेलानोसाइट नॉर्मल रहता है लेकिन ऑटो इम्यून प्रोसेस के चलते मेलानोसाइट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सेकेंड है पायबाल्डिज्म। पायबाल्डिज्म में क्या है कि मेलानोसाइट ही कोई कोई स्किन के कोई कोई पार्ट में मेलानोसाइट ही नहीं प्रेजेंट है, सेल ही नहीं प्रेजेंट है, तो ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन की बात ही नहीं है। तो पायबाल्डिज्म कंजेनाइटल हो गया, विटिलिगो एक्वायर्ड हो गया। विटिलिगो आपने देखा होगा कि 20 साल 25 साल के बाद होता है ज्यादातर। थर्ड कैटेगरी इज लेंटिजन, इन विच नंबर ऑफ मेलानोसाइट इज इंक्रीज, ठीक है। तो तीनों मेलानोसाइट के डिसऑर्डर है, तीनों में डिफेक्ट मेलानोसाइट में है बेसिक। सेकंड कैटेगरी इज डिसऑर्डर ऑफ मेलानोसोम, मतलब कि मेलानोसोम ट्रांसफर नहीं हुए आसपास के सेल्स को। तो द डिसऑर्डर ऑफ मेलानोसोम इज नेवस एक्रोमिकस। थर्ड इज डिसऑर्डर ऑफ मेलानोजेनेसिस। डिसऑर्डर्स ऑफ मेलानोजेनेसिस आर मेलास्मा, एल्बिनिज्म एंड फ्रेकल। तो मेलानोजेनेसिस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर ज़्यादा होगा तो पिगमेंटेशन ज़्यादा होगा, तो मेलास्मा वही है कि मेलानोजेनेसिस ज़्यादा हो गया चीक की एरिया में, तो हाइवर पिगमेंटेशन से प्रेजेंट करेगा। सेकेंड है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या डिफेक्ट रहता है कि जो टायरोसिनेज एंजाइम लगा था हमको स्टार्टिंग में, तो वो टायरोसिनेज एंजाइम ही डिफेक्टिव है। टायरोसिनेज एंजाइम डिफेक्टिव है तो मेलानिन नहीं बनेगा, तो उसका पूरा स्किन जो रहेगा, पूरे बॉडी का स्किन जो रहेगा, पूरे बॉडी में टायरोसिनेज नहीं है तो पूरी बॉडी उसकी वाइट दिखेंगी, प्लस जो उसके बाल भी रहेंगे वो ही वाइट रहेंगे। उसको हम लोग कंपेयर करेंगे विटिलिगो और पायबाल्डिज्म, इन दोनों का डिफेक्ट ही अलग था, ठीक है, कि उसमें मेलानोसाइट नहीं थे, सेल नहीं थे। इसमें सेल नॉर्मल है लेकिन जो प्रोसेस है वो नहीं हो रहा है, और विटिलिगो में पैचेस रहते हैं। पायबाल्डिज्म में क्या, एंजाइम ही डिफेक्टिव है पूरे बॉडी में, तो पूरा बॉडी वाइट दिखेगा उसका। तो ये बेसिक डिफेक्ट है एल्बिनिज्म, विटिलिगो और पायबाल्डिज्म में, ठीक है। एंड थर्ड कैटेगरी मेलानोजेनेसिस इज फ्रेकल और एफेलिड। सो इट इज ऑल्सो हाइपर पिगमेंटेड रीजन ड्यू टू इंक्रीज मेलानोजेनेसिस। तो इन तीनों कैटेगरी को हम लोग याद रख सकते हैं एक ही बार में एक निमोनिक से, विपुल ना मार, ठीक है। तो वी आई से आया विटिलिगो, पी से आया पायबाल्डिज्म, एल से लेंटिजन, एन ए से आया नेवस एक्रोमिकस, मार से एम में मेलास्मा, ए से एल्बिनिज्म, आर से आया फ्रेकल, ठीक है। तो इन तीनों को एक साथ याद रखो, मेलानोसाइट, मेलानोसोम, मेलानोजेनेसिस और निमोनिक विपुल नामार। फिर फोर्थ कैटेगरी आएगा डर्मल मेलानोसाइटोसिस का। डर्मल मेलानोसाइटोसिस मतलब मेलानोसाइट जो थे वो एपिडर्मिस तक के माइग्रेट कर रहे थे लेकिन डर्मिस में ही अटक गए, तो तीनों में स्लेट ब्लू कलर ऑफ स्किन रहेगा। डर्मल मेलानोसाइटोसिस का एग्जाम्पल है
मंगोलियन स्पॉट, नेवस ऑफ ओटा एंड नेवस ऑफ हाइटो। एंड दी फिफ्थ कैटेगरी इज नेवस कैटेगरी इन विच देर आर एग्रीगेटेड मेलानोसाइट, एबनॉर्मल एग्रीगेटेड मेलानोसाइट। ठीक है, तो नेवस कैटेगरी हम लोग एकदम आखिरी में पढ़ेंगे। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ डिसऑर्डर्स ऑफ मेलानोसाइट। डिसऑर्डर ऑफ मेलानोसाइट में सबसे पहला क्या था? विटिलिगो। ओके, सो विटिलिगो के तो आपने हमेशा देखा ही होगा कि बोलते हैं कि दूध के बाद किसी ने ले लिया, खट्टा वगैरह खा लिया तो विटिलिगो हो जाता, वैसा नहीं रहता। विटिलिगो इज एन ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलानोसाइट। सो इट प्रेजेंट्स एज मिल्की व्हाइट पैचेस विथ और विदाउट ल्यूकोट्रेकिया। ल्यूकोट्रेकिया मीन्स व्हाइट हेयर्स। ओके, सो विटिलिगो में व्हाइट पैचेस स्किन में तो रहेंगे, लेकिन व्हाइट हेयर्स कभी प्रेजेंट भी रह सकते, नहीं भी रह सकते। सो एज इट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इट इज associated with other autoimmune disorders and most common being autoimmune thyroid disorder. In some cases of vitiligo, interestingly, it is seen that the lesion where the area where the patient gets trauma, the lesion appear there. Means vitiligo के patient किन-किन patient में ऐसा होता है कि पहले तो normal skin था उनको, लेकिन जहाँ जहाँ repeated trauma हो रहा है वहाँ पर भी उनको vitiligo आना चालू हो जा रहा है। तो इसी phenomena को हम बोलते हैं Koebner's phenomena। तो ये किन किन पेशेंट्स में दिखता है, और अगर कोएबनस फिनोमेना दिखा तो वो पूरा प्रोग्नोसिस को थोड़ा सजेस्ट करता है। ओके, सो ऑन वोट्सलेम एग्जामिनेशन देयर विल बी आइवरी वाइट ल्यूजन। सो अभी विटिलिगो में अगर हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे, मतलब बायोप्सी लेंगे, तो हमको क्या दिखेगा? मेलानोसाइट ही एब्सेंट है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गया है CD4 टी सेल से। ओके, सो विटिलिगो के ट्रीटमेंट में क्या रहेगा? ऑब्वियसली अगर ऑटोइम्यून प्रोसेस है तो ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देंगे? इम्यूनोसप्रेसेंट, जैसे कि स्टेरॉयड। सो इफ लेस देन 20% ऑफ द स्किन इज इन्वॉल्व, so we give topical potent steroid. But if more than 20% of skin is involved, so the therapy is narrow band UVB therapy. तो less than 20% अगर skin involved है तो हम लोग क्रीम लगा सकते हैं, कोई भी steroid क्रीम। अगर बहुत ज़्यादा skin involved है तो हम लोग हर जगह तो क्रीम नहीं लगा सकते ना इतनी सारी, इसलिए हम लोग देंगे narrow band UVB therapy. Narrow band UVB therapy, the important point is it is of 311 nanometer. तो US में emergency हम लोग लगाते 911 number, तो इसमें हम लोग emergency में लगाएंगे 311. Okay, so mechanism of action of UVB therapy is it stimulates melanin synthesis, it inhibits dermal autoimmune lymphocytes and it also inhibits Langerhans cells. तो autoimmunity को भी कम करेगा UVB therapy, और melanogenesis को भी बढ़ाएगा, तो वही जो white patch था वो थोड़ा सा dark हो जाएगा. Okay, so if the skin is involved extensively, that is more than 80-90% of the skin is involved, that is most of the skin is if it is white, so we will advise the patient to depigment the rest of the skin with monobenzyl ether of hydroquinone. अगर बहुत ज़्यादा skin अगर involved है vitiligo में, मतलब पूरी लगभग body white दिख रही है, तो जो जो थोड़े dark patches थे normal skin के उनको भी हम लोग white कर लेंगे monobenzyl ether of hydroquinone में. So the अभी vitiligo के types है localized, generalized, तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है. और last point vitiligo में there are some poor prognostic factors in vitiligo, means it will respond poorly with treatment. So the poor prognostic factors are early onset of disease, long standing disease, mucosal involvement, Koebner's phenomena presence, extensive disease, that is around 80-90% disease involved, lip tip variant and autoimmune association. ठीक है, वैसे तो बेटे लोगों 20 साल के बाद वगैरह होगा अगर, लेकिन अगर अर्ली ऑनसेट है तो पुअर प्रोग्नोसिस है, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज है तो पुअर प्रोग्नोसिस है, अगर उसके मुंह के अंदर म्यूकोसा वगैरह में भी इन्वॉल्वमेंट है बेटे लोगों का तो पुअर प्रोग्नोसिस है, अगर Koebner's phenomena जो हमने सीखा अगर वो है तो वो भी पुअर प्रोग्नोसिस है, अगर लगभग पूरी स्किन इन्वॉल्व है वो भी पुअर प्रोग्नोसिस आएगा, और अगर दूसरे ऑटोइम्यून एसोसिएशन है उसमें पेशेंट में तो वो भी पुअर प्रोग्नोसिस को बताएगा. ओके, सो सेकेंड डिसऑर्डर इज पाइबाल्डिज्म. इन पाइबाल्डिज्म देयर इज डिफेक्ट इन माइग्रेशन ऑफ मेलानोसाइट फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट, हेंस देर आर एब्सेंट मेलानोसाइट इन सम ऑफ द स्किन पैचेस. सो देयरफॉर द पाइबाल्डिज्म इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. सो देर आर लोकलाइज व्हाइट पैचेस इन विच देर मे बी एन एरिया ऑफ नॉर्मल स्किन विद इन द व्हाइट पैच. तो विटिलिगो कैसा था कि मेलानोसाइट तो बचपन से प्रेजेंट थे, लेकिन बाद में 20 साल के बाद ऑटोइम्यून प्रोसेस चालू हुआ और उससे मेलानोसाइट डिस्ट्रॉय हो गए. पाइबाल्डिज्म में कैसा है कि स्किन के कोई कोई एरिया में मेलानोसाइट पहुंचा ही नहीं न्यूरल क्रेस्ट से, तो वो व्हाइट पैचेस दिखेंगे. तो इसमें ऑटोइम्यून प्रोसेस कुछ भी नहीं है. सो ऑब्वियसली स्टेरॉइड विल बी ऑफ नो यूज इन पाइबाल्डिज्म. सो द ओनली ट्रीटमेंट इन पाइबाल्डिज्म इज टू डू स्किन ग्राफ्टिंग. ओके, सो द थर्ड डिसऑर्डर इज लेंटिजन. इन लेंटिजन द मेलानोसाइट नंबर इज इंक्रीज ओनली, सो देर आर हाइपर पिगमेंटेड पैचेस ऑन दी. सो लेंटिजन मोस्टली सीन इन ओरल म्यूकोसल रीजन एंड लिप रीजन. And most important association of the lentigen is Peutz-Jeghers syndrome. So Peutz-Jeghers syndrome consists of lentigen, oral mucosal lentigen along with hematoidetes polyps in jejunum.
अलॉन्ग विद मैनी कैंसरस एसोसिएशन आर देर। तो ये हम पढ़ेंगे थायरोप्लास्टिक पॉलिप्स में, थामाटोवाइटस पॉलिप्स में, प्योटजेगर सिंड्रोम। ओके, सो पहला कैटेगरी था हमारा मेलानोसाइट, सेकंड कैटेगरी था मेलानोसोम। मेलानोसोम की कैटेगरी में क्या 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 आ जाता है हमारा, नेवस एक्रोमिकस। सो वील स्टार्ट ऑफ विथ नेवस एक्रोमिकस। नेवस एक्रोमिकस इज वेल डिफाइंड हाइपोपिगमेंटेड पैच ड्यू टू डिफेक्ट इन ट्रांसफर ऑफ मेलानोसोम। ओके, सो मेलानोसोम का ट्रांसफर का डिफेक्ट है। इट इज ऑफन कंफ्यूज विथ नेवस एनिमिकस विच अपियर्स सेम बट इट इज ड्यू टू एबनॉर्मल वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन। अब नेवस एक्रोमिकस का कारण है मेलानोसोम का ट्रांसफर नहीं हुआ, और नेवस एनिमिकस का के लिए है कि कहीं पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया एबनॉर्मल तो वो व्हाइट दिख रहा है। सो डिफरेंशिएट बोथ ऑफ दिस वी डू डायोस्कोपी टेस्ट। अभी डायोस्कोपी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो वहां पे व्हाइट पैच है वहां पे हम लोग ग्लास लाइट से प्रेस करेंगे, तो जहां पे एबनॉर्मल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है और कोई ऐसा पैथोलॉजिकल चीज नहीं है तो वो क्या होगा कि वो स्किन नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल स्किन के साथ मर्ज कर जाएगा, तो वो नेवस एनिमिकस की तरफ जाएगा। अगर वो मर्ज नहीं कर रहा है, मतलब पैच जो व्हाइट वाला पैच है वो सेम टू सेम दिख रहा है, तो वो नेवस एक्रोमिकस के समान रहेगा। तो ये जो इमेज में था है ये नेवस एक्रोमिकस है, ठीक है, नेवस एनिमिकस नहीं है। ओके, सो थर्ड कैटेगरी इज क्या था हमारा, मेलानोसाइट मेलानोसोम मेलानोजेनेसिस। सो थर्ड कैटेगरी इज डिसऑर्डर्स ऑफ मेलानोजेनेसिस। तो फर्स्ट डिजीज इज मेलास्मा। इन मेलास्मा देयर आर ब्राउनिश हाइपरपिगमेंटेड पैच एट माइलर प्रोमिनेंसेस ड्यू टू इंक्रीज मेलानोजेनेसिस। ठीक है, तो मेलानोसाइट वगैरह के नंबर ठीक है, लेकिन मेलानोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो बढ़ गया है। ओके, सो ट्रिगरिंग फैक्टर्स ऑफ मेलास्मा इज सन एक्सपोजर, फीमेल हॉर्मोन्स, ओसीपी। सो इफ मेलास्मा प्रेजेंट्स इन प्रेगनेंसी इट इज कॉल्ड एज क्लोएस्मा। सो क्लोएस्मा इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, सो क्लोएस्मा, द गुड थिंग अबाउट क्लोएस्मा इज इट रिजॉल्व एज द प्रेगनेंसी इज ओवर। ओके, सो नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड इन क्लोएस्मा, बट मेलास्मा रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। सो ट्रीटमेंट ऑफ क्लोएस्मा तो कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट ऑफ मेलास्मा इज हाइड्रोक्विनोन, गोल्ड स्टैंडर्ड इज हाइड्रोक्विनोन एंड अदर इज कोजिक एसिड। तो हाइड्रोक्विनोन और कोजिक एसिड क्या करते हैं, टायरोसिनेज एंजाइम जो था मेलानोसाइट में जो कि मेलानिन बनाता था वो टायरोसिनेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो एंजाइम इनहिबिट हो गया तो क्या होगा, मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है थोड़ा सा, इसलिए इसका ट्रीटमेंट जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म चलता है। सेकेंड इज क्लिगमान रेजिमेन विच इज गिवन इन मेलास्मा। सो क्लिगमान रेजिमेन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन एंड ट्रोपिकल स्टेरॉइड। अब इसको याद करने के लिए आप ऐसा समझो कि डर्मेट में मैक्सिमम की जो कंडीशन है हम लोग ट्रोपिकल स्टेरॉइड देते हैं डर्मेट में। ठीक है, और फीमेल पेशेंट है तो उसको पिंपल्स वगैरह रहेंगी तो ट्रेटिनोइन पिंपल्स के लिए ट्रीटमेंट है, और थर्ड हाइड्रोक्विनोन हम लोग मेलास्मा दे रहे हैं। तो क्लिगमान रेजिमेन के तीन ड्रग्स कौन से हो गए, हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन प्लस ट्रोपिकल स्टेरॉइड। ओके, सो सेकेंड डिसऑर्डर इन डिसऑर्डर ऑफ मेलानोजेनेसिस इज एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म जिसमें कि टायरोसिनेज एंजाइम जो था जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करता था वही एब्सेंट है, पूरे बॉडी में एब्सेंट है टायरोसिनेज एंजाइम, तो उसके स्किन और बाल दोनों ही वाइट दिखेंगे। सो एल्बिनिज्म इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इन विच होल बॉडी एज वेल एज हेयर्स अपियर वाइट। सो ऑन हिस्टोपैथोलॉजिकली हिस्टोपैथोलॉजी द मेलानोसाइट विल अपियर नॉर्मल, ओनली द थिंग इज दैट द प्रोसेस ऑफ मेलानोजेनेसिस इज अफेक्टेड हियर। सो एल्बिनिज्म इज एसोसिएटेड विद चेडियाकेगाशी सिंड्रोम। चेडियाकेगाशी सिंड्रोम में क्या रहता है कि पेशेंट मेंटली रिटार्ड रहता है, बच्चा है एकदम छोटा सा, मेंटली रिटार्ड है, प्लेटलेट डिसफंक्शन है उसको, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी रहेंगी, प्लस न्यूट्रोफिल्स में उसके जायंट ग्रेन्यूल्स दिखेंगे। तो आप बस ऐसे विजुअलाइज कर लो कि ऐसा ये अगर हिमैट का पिक्चर दिया साथ में ऐसा कोई एकदम वाइट लड़का वगैरह दिया तो चेडियाकेगाशी सिंड्रोम की तरफ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। थर्ड डिसऑर्डर था हमारा फ्रेकल्स। ठीक है, मेलानोजेनेसिस। सो इट इज अकर्स ड्यू टू इंक्रीज मेलानोजेनेसिस, इट इज एसोसिएटेड विद नेरोफाइब्रोमाइटोसिस एंड जेरोडर्मा पिगमेंटोसम। ओके, फोर्थ कैटेगरी इज अरेस्ट ऑफ माइग्रेशन ऑफ मेलानोसाइट और सेरुलियोडर्मा। मींस मेलानोसाइट प्रोड्यूस हो गए न्यूरल के रस्ते, लेकिन जब माइग्रेट कर रहे थे एपिडर्मिस की तरफ वो एपिडर्मिस तक के नहीं पहुंचे, डर्मिस में अटक गए। ओके, सो इट इंक्लूड्स मंगोलियन स्पॉट, नेवस ऑफ ओटा एंड नेवस ऑफ फाइटो। द स्पेशलिटी इन ऑल दीज थ्री इज द स्किन कलर इज सेम, दैट इज स्लेट ब्लू स्किन कलर। ओके, सो वील लुक वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज मंगोलियन स्पॉट। सो मंगोलियन स्पॉट इट प्रेजेंट एज स्लेट ब्लू स्किन डिस्कलरेशन एट लंबोसेक्रल लीजन। सेकेंड इज नेवस ऑफ ओटा। सो नेवस ऑफ ओटा इट प्रेजेंट एज स्लेट ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ एरिया एट फेस रीजन इन ट्राइजमिनल रीजन एरिया। ओके, सो थर्ड इज नेवस ऑफ हाइटो, इट ऑल्सो प्रेजेंट विद स्लेट ब्लू स्किन बट एट द रीजन ऑफ शोल्डर एंड स्कैबुलर एरिया। ओके, तो तीनों में स्लेट ब्लू कलर है, जस्ट जो है वो पोजिशन का डिफरेंस है, प्लस
जो मंगोलियन स्पॉट है वो इट रिग्रेसेस बाय प्यूबर्टी, बट द नेवस ऑफ ओटा एंड आटो दे डू नॉट रिग्रेस बाय प्यूबर्टी एंड दे रिक्वायर ट्रीटमेंट विच इज क्यू स्विच लेजर. ओके सो लास्ट कैटेगरी इज नेवस कैटेगरी. नेवस मीन्स एग्रीगेशन ऑफ मेलानोसाइट. सो इट कैन बी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड. मोस्टली इट इज कंजेनाइटल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ मार्क. अभी आप सबके बॉडी में कोई ना कोई बर्थ मार्क होगा, ये सबने देखा ही है, मेरे भी फेस में है इधर नेवस ये, ठीक है. सो इट कैन बी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड. मोस्टली इट इज कंजेनाइटल. सो कंजेनाइटल नेवस कैन बी अपियर्स एज ब्राउन टू ब्लैक इन कलर एंड विथ एज इट बिकम्स रेज्ड. सो इट गिवस काइंड ऑफ सेरेब्री फॉर्म अपियरेंस. ओके तो आपने देखा होगा कोई कोई नेवस आपका रेज हो जा रहा है, कोई कोई नहीं रहता है, ठीक है. सो इफ साइज इज मोर देन 20 सेंटीमीटर इट इज नोन एज बाथिंग ट्रंक नेवस एंड इट इज द साइज ऑफ द नेवस दैट डिटरमाइन द मैलिग्नेंट कन्वर्जन एंड नॉट द नंबर. तो अगर कोई कोई नेवस अगर आपका साइज बढ़ जा रहा है, बचपन से प्रेजेंट है, मीन्स मैलिग्नेंट कन्वर्जन के चांस बढ़ रहे हैं. ऐसा नहीं कि अगर बहुत सारे नेवस है आपको तो मैलिग्नेंट सी के कन्वर्जन है, ठीक है. साइज डिपेंड करता है, नंबर नहीं. सेकेंड इज बेकर नेवस. इन बेकर नेवस द एग्रीगेशन ऑफ मेलानोसाइट अकर इन द एपिडर्मिस. सो बेकर नेवस अपियर इन द ऑनसेट इज इन एडोलसेंस. जैसे कि हमारा कॉमन मोल जो रहते हैं वो हमको बचपन से ही दिखते हैं मोल, जो कि हमारा बर्थ मार्क है. बेकर नेवस कैसा है, वो एडोलसेंस में प्रेजेंट करेगा ड्यू टू इंक्रीज एंड्रोजन. एंड बेकर नेवस देर इज एसोसिएटेड, इट इज एसोसिएटेड विद हाइपर पिगमेंटेशन, इंक्रीज हेयर एंड एक्ने, ठीक है. एंड थर्ड आर एक्वायर्ड कैटेगरी. एक्वायर्ड कैटेगरी में तीन आएंगे कि कहाँ कहाँ पे उनका लोकेशन है. बेकर में एपिडर्मिस में था, तो अभी एक्वायर्ड में क्या क्या आएगा, जंक्शनल, दैट इज एट डर्मो एपिडर्मल जंक्शन, जंक्शनल. देन इट विल कम डर्मल मीन्स डर्मिस में, और उन दोनों के बीच का मीन्स एट डर्मो एपिडर्मल जंक्शन प्लस डर्मल मीन्स कंपाउंड नेवस, ठीक है. वील सी द इमेजेस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. ओके सो पहला वाला आपको क्या दिख रहा है, इसमें पहले वाले में थोड़ा सेरेब्री फॉर्म अपियरेंस के समान है ऊपर से, तो ये कंजेनाइटल नेवस की तरफ जा रहा है. सेकेंड इमेज जो है उसका नेवस देखो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मोर देन 20 सेंटीमीटर और वो एरिया में. सो इट इज कॉल्ड एज बेथिंग ट्रंक नेवस. थर्ड इज बेकर्स नेवस. इसमें कैसे दिख रहा है हमको, हाइपरपिगमेंटेशन प्लस इंक्रीज हेयर, ठीक है. बेकर्स नेवस का एग्रीगेशन का रहेगा एपिडर्मिस में प्लस एडोलसेंस में प्रेजेंट करेगा, और उसमें बाल वगैरह ज़्यादा हो गए रहेंगे. बस यही इमेज आने वाली है एग्जाम में, ठीक है. सो एंड फोर्थ कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी क्या था हमारा, एक्वायर्ड. एक्वायर्ड में जंक्शनल, कंपाउंड और इंट्राडर्मल. इन जंक्शनल नेवस द एग्रीगेशन इज एट डर्मो एपिडर्मल जंक्शन. सो इट प्रेजेंट एज पिगमेंटेड एंड मैक्यूल, मीन्स मैक्यूल मीन्स रेज नहीं रहेगा वो. सेकेंड इज कंपाउंड नेवस. कंपाउंड नेवस में एग्रीगेशन ऑफ मेलानोसाइट इज एट डर्मो एपिडर्मल जंक्शन प्लस एट डर्मिस. सो इट प्रेजेंट एज डोम शेप्ड एंड डीपली पिगमेंटेड. एंड थर्ड इज इंट्राडर्मल. इन इंट्राडर्मल द पिगमेंटेशन इज एबसेंट बट इट प्रेजेंट एज डोम शेप. तो आप इसके बाजू वाला इमेज देखो, इसमें डोम शेप दिख रहा है प्लस पिगमेंटेड है, तो ये मोस्टली कंपाउंड नेवस की तरफ जा रहा है. और उसके बाद वाला देखेंगे हम लोग कि डोम शेप्ड है लेकिन कलरलेस है, तो ये इंट्राडर्मल नेवस की तरफ जा रहा है. तो यही था हमारा आज का टॉपिक. सो होप यू गाइज एंजॉयड इट. थैंक यू वेरी मच.